हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सिंटैक्स के अंतर्गत नंबर से संबंधित क्वेश्चन से देखेंगे कि किस तरह से हमको नंबर से संबंधित सेंटेंस में एरर देखने को मिल सकते हैं। तो यह वीडियो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बगैर समय वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिंटैक्स के अंतर्गत नंबर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। तो इन सेंटेंसेस में क्या एरर है, आज की इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड एग्जाम 2020 की दृष्टि से अगर सिंटैक्स की अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सिंटैक्स के मेरे सारे वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा, ताकि आप अच्छी तरह से सिंटैक्स के बारे में लर्न कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, द न्यूज आर करेक्ट, समाचार सही है। तो इसमें कहाँ पर मिस्टेक है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा न्यूज होता है यह हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वह आर नहीं बल्कि आपका इज होना चाहिए। तो पहले वाले सेंटेंस में हमको करना क्या है, आर को हटाना है और आर के स्थान पे हमको क्या लिख देना है, इज लिख देना है। ठीक है, यह पहला यहाँ पर एरर आया हुआ है इस पहले वाले सेंटेंस में। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सका। अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सका तो हमेशा ही मार्क्स लिखा जाता है, न कि मार्क। तो यह याद रखिए कि दूसरे में जो हमको मार्क जहां पर है या इसमें हमको क्या कर देना है, यस लगा देना है, मार्क्स सही होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड, यानी कि पोएट और विद्वान मर्च यानी कि अमृत है या मर गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल केवल पोएट से पहले आया है, तो जो पोएट और स्कॉलर है वह दोनों एक ही व्यक्ति है। अगर दोनों जगह आर्टिकल आता तो पोएट और स्कॉलर दो अलग अलग व्यक्ति होते, लेकिन आर्टिकल जो द है केवल एक नाउन से पहले आया हुआ है, इस वजह से एक ही व्यक्ति जो है वह पोएट भी है और स्कॉलर है और उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए हम वहाँ पर आर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। तो हमको आर के स्थान पर क्या लिखना है, आर हमारे यहाँ गलत है, इसके स्थान पर हमको क्या लिखना होगा, इज लिखना होगा। अगर आप चाहो तो एक दूसरी तरह से भी इसको सही कर सकते हैं, आप यहाँ द पोएट है यहाँ पर द स्कॉलर लिख देंगे तो यह सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं आर्टिकल द तो आप इसे ही इज बना दीजिए, आपका सही हो जाएगा। यह एक ही व्यक्ति है, पोएट और स्कॉलर दोनों एक ही व्यक्ति है, इस वजह से वहाँ पर इज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा है, ट्रेन शिप्स आर ग्रेजिंग, यानी कि जो 10 भेड़ है वह चर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो शिप्स है इसमें यस लगा हुआ है, तो सीप का सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, सीप का सिंगुलर भी सीप ही होता है, प्लूरल भी सीप होता है, तो इसमें यस लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ रॉन्ग है। तो हम सीप्स में से क्या करेंगे, केवल यस को हटा देंगे, सीप हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह डियर का भी होता है। अब देखिए, योर इन्फॉर्मेशन आर फॉल्स, तुम्हारी सूचनाएँ गलत हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा ही सिंगुलर नंबर में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर नंबर में होता है, तो इस वजह से हमको इन्फॉर्मेशन में से यस हटाना है। ठीक है, तो हमको लिखना होगा क्या, इन्फॉर्मेशन में से यस हटा देना है, इन्फॉर्मेशन में से आपको क्या करना है, यस हटा देना है, और जहाँ पर यह आर है इस आर को हटाकर आपको क्या करना है, इज लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप माइंड रखिएगा, योर इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स, तुम्हारी जो सूचना है वह गलत है। आप देखें यहाँ पर मम्स आर डेंजरस, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मम्स और मीजल्स ऐसे जो बीमारियों के नाम है जिनसे पहले आर्टिकल द लिखा जाता है, और यह बीमारी के नाम है इस वजह से सिंगुलर हैं। तो यहाँ पर आर लिखा गया है तो इसका मतलब हमको आर के स्थान पे इज लिखना होगा, और मम्स से पहले हमको क्या लिखना होगा, आर्टिकल द, तो हमको लिखना होगा द मम्स, ठीक है, द लिखना होगा, द मम्स, और इसके बाद जहाँ हमारा आर है वहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, इज, तो लिखना होगा मम्स, मम्स इज, देखिए द मम्स इज डेंजरस, यानी कि जो मम्स है यानी जो कंठमाले का रोग होता है वह खतरनाक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज़ आपको माइंड रखना है। अब बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ, जो सातवां सेंटेंस है इसमें क्या एरर है, आई सा थ्री डियर्स इन द फील्ड, देख सकते हैं डियर में यस लगाया है, तो डियर का सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, तो हम लोग डियर्स में से यस को हटा देंगे तो हमारा डियर हो जाएगा। ठीक है, या इस तरह से। इसके बाद देख सकते हैं हमारा जो आठवां सेंटेंस है इसमें क्या एरर है, मेन फूल मेनी या फ्लावर्स आर बर्न टू फ्लस अनसीन, फूल मेनी या फ्लावर्स यानी बहुत सारे पुष्प आर बर्न, जन्म लेते हैं टू फ्लस यानी कि टू फ्लस, तो फ्लस मतलब लाल हो जाना, अनसीन मतलब बगैर देखे, यानी बहुत सारे फूल जन्म लेते हैं बगैर देखे ही लाल हो जाने के लिए।
तो देख सकते हैं मेनी अ, मेनी अ के बाद हमेशा ही सिंगुलर नाउन आता है, तो यहाँ पर यस लगाया है तो हम इसको सिंगुलर बनाएंगे, यानी कि ए लिखना हमको, यहाँ जो यस है इसको हटा देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको लिखना होगा मेनी अ। अब हमको फ्लावर में से यस हटा देना है, केवल फ्लावर, ठीक है। तो मेनी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नौवें सेंटेंस की तरफ और देखते हैं नौवें सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए द हाउस इज अंडर रिपेयर, तो रिपेयर में यस लगा दिया है, तो हमको रिपेयर में से क्या करना है, यस हटा देना है। तो रिपेयर्स में से अगर यस हटा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल आपका नहीं रहेगा, तो यह जो यस है इसको आपको क्या कर देना, हटा देना है। तो यानी कि यह यस हटा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, यानी कालिदास भारत के सबसे महान कवियों में से एक हैं, महान कवियों में से एक है। तो वन आपके साथ जो आप नाउन लिखेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद, वह हमेशा ही प्लूरल होता है, तो कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स होगा। तो हमको यहाँ पर दसवें वाले सेंटेंस में क्या करना है, पोएट्स लिखना है, ठीक है। यह डिग्री में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इसके बाद हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल, यानी उसका बालक मीजल से या खसरे से जूझ रहा है या कष्ट सहन कर रहा है, तो मीजल नहीं होता बल्कि मीजल्स होता है। तो हम लोग एग्जामी में क्या करेंगे, वहाँ पर यस लगा देंगे मीजल्स, ठीक है। तो यह हमारा मीजल्स होता है, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बारहवें क्वेश्चन की तरफ, तो देख सकते हैं यहाँ पर है, तो बारहवां जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई रूम आर ब्रोकेन, ठीक है। तो जो फर्नीचर होता है हमेशा सिंगुलर ही होता है, तो हमको क्या करना है, तो हम लोग पहले फर्नीचर में से क्या करेंगे, यस हटा देंगे। तो हमको लिखना होगा फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स में से यस को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, फर्नीचर हो जाएगा। आप माई रूम और डॉट 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 करेंगे और उसके बाद हमारा जो आर है वहाँ पर क्या जाएगा, ई जाएगा, ऑल द फर्नीचर ऑफ माई रूम इज ब्रोकेन, ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं अशोक पेंसिल से कलर इज रेड, यानी अशोक के पेंसिल का जो कलर है या रंग है वह लाल है। तो एक चीज़ आप यह हमेशा माइंड रखिएगा कि आप डबल एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर डबल एपिस्ट्रॉफी आया हुआ है, तो हम एक एपिस्ट्रॉफी हटाएंगे, यानी अशोक के पेंसिल का जो रंग है वह लाल है, तो लिखना पड़ेगा द कलर ऑफ, देखिए हम एक एपिस्ट्रॉफी यस हटाएंगे, द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल, द कलर ऑफ अशोक्स, तो एपिस्ट्रॉफी यस लगा दे रहे हैं, अशोक्स पेंसिल। अब इसके बाद जो है और वर्ड है उनको लिख देते हैं इज रेड, तो देख सकते हैं एक एपिस्ट्रॉफी यस हमने ऑफ की सहायता से हटा दिया। इसके बाद देखते हैं जिम्नास्टिक आर गुड फॉर हेल्थ, यानी शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो जिम्नास्टिक जो है या खेल का नाम है, तो इस वजह से हमेशा ही यह सिंगुलर में होगा। तो हमारा इसमें जो मिस्टेक है चौदहवें वाले में, हम लोग क्या करते हैं आर को हटाकर आर की जगह क्या करना होगा, यह गलत है हमारा, आर की जगह हमको क्या लिखना होगा, इज लिखना होगा। इसके बाद देखें ही गेव मी अ लॉट्स ऑफ एडवाइस, तो देखिए यह एडवाइस भी हमेशा सिंगुलर में होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं पंद्रहवें वाले क्वेश्चन में, तो हम लोग पहले क्या करते हैं लॉट्स में से क्या करेंगे, या सटा देंगे लॉट। अब उसके बाद ऑफ और बाकी सब हमको क्या करना है, एडवाइस में से या सटा देना है, क्योंकि हमेशा सिंगुलर में होता है एडवाइस, ठीक है। इस तरह से यह हो गया। इसके बाद देखिए यह हमारा पंद्रहवा और सोलहवा देख सकते हैं, लाइट्स ट्रैवल फास्टर देन साउंड, यानी कि प्रकाश आवाज़ की अपेक्षा तेज गति से ट्रैवल करता है, यानी कि यात्रा करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइट में यस लगा हुआ है और साउंड में भी यस लगा हुआ है, तो यह इनकरेक्ट है। तो हमको क्या करना होगा, यह हमेशा सिंगुलर में होते हैं, जो भी अब स्ट्रैक नाउन होते हैं वह सिंगुलर में होते हैं, तो हमको लाइट में से यस क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। तो आप माइंड कर लीजिएगा, तो लाइट में से यस हटाना है और उसके बाद हमको साउंड में से भी यस को क्या कर देना है, हटा देना है। तो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि किस तरह से नंबर संबंधी आपको एरर देखने को मिल सकते हैं सेंटेंसेस में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से माइंड कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप अच्छी तरह से इनको लर्न कर सके और तैयार कर सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूँ अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करेंगे। वह क्वेश्चन है आई गेव हर अ 10 रुपीज़ नोट, मैंने उसे एक 10 रुपये का नोट दिया।
तो इस सेंटेंस में क्या नंबर संबंधी एरर है आपको फाइंड आउट करके अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक के माध्यम से मुझे मोटिवेशन मिलता है और डेली वीडियो बनाने का थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, क्योंकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इससे आपको मिलती रहेगी, और यह बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।